हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक कर में। सो गाइज, मैं हूं अभी नालंदा रेलवे स्टेशन के पास और यहां से हम लोग अपना टूर प्लान करने वाले हैं। ये हमारा नालंदा का एपिसोड 3, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं नालंदा टूरिस्ट प्लेस। तो कुल मिला के कितने टूरिस्ट प्लेस हैं जो आप इजिली कवर कर सकते हो, और यहाँ से ऑटो आपको मिल जाएगा, टोटो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सारे जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं नालंदा के, उसे कवर कर सकते हैं। ये जितने भी ऑटो वाले हैं, ये कितना प्राइस लेते हैं सारे जगह को कवर करने के लिए। तो गाइज, हम लोग ई रिक्शा ले लिए हैं और यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं कुंडलपुर, जो कि नालंदा रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। और मैंने ये रिक्शा बुक किया है 350 रुपये। अब हम लोग आ चुके हैं नालंदा जंक्शन से बाहर और ये है NH। तो यहाँ पे दूर दूर तक आपको किसी भी तरह का कुछ रहने का व्यवस्था नहीं दिखेगा, होटल नहीं दिखेगा। तो अगर आपको स्टे करना है तो आप राजगीर में स्टे कर सकते हो, राजगीर में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाते हैं। और जो लमसम यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है, आप यहाँ पे रहते हुए आराम से नालंदा घूम सकते हैं। तो बस की सर्विस आपको रेगुलर राजगीर से मिल जाती है, मात्र 25 रुपये में बस आपको राजगीर से नालंदा ले जाती है, और महज 30 से 35 मिनट आपको लगता है राजगीर से नालंदा जाने में। तो गाइज, सबसे पहला टूरिस्ट प्लेस हम लोग आ पहुंचे हैं, ये है भगवान महावीर का जन्मभूमि कुंडलपुर। ये जगह शांति और अहिंसा के उद्घोषक भगवान महावीर के जन्म स्थली के रूप में फेमस है। नालंदा स्टेशन से 3 किलोमीटर और नालंदा खंडहर से लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। यहाँ 24वें और अंतिम तीर्थ कर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इसके कैंपस में और भी कई मंदिर और ये नद्यावर्त महल भी देखने को मिलते हैं। तो 21 अप्रैल 2024 को यहाँ पे कुंडलपुर महोत्सव होने वाला है। तो अगर आप नालंदा में हैं और अगर नालंदा आने का प्लान बनाना है तो इस महोत्सव में जरूर जरूर भाग लें। ये था हमारा पहला डेस्टिनेशन नालंदा में। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सीतामढ़ी जैन मंदिर, और ये जो जैन मंदिर है ये दिगंबर जैन मंदिर है। तो दिगंबर जैन मंदिर के बाद से दूसरा हमारा डेस्टिनेशन प्लेस होने वाला है सीतामढ़ी जैन मंदिर। अब हम लोग आ पहुँचे हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन प्लेस पे, ये है श्वेतांबरी जैन मंदिर। तो ये भी मंदिर काफ़ी फेमस है नालंदा में, जिस तरह से दिगंबर मंदिर है उसी तरह से ये श्वेतांबर मंदिर भी काफ़ी फेमस है। नालंदा में दो फेमस जैन मंदिर हैं, पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर जैन मंदिर। जो टूरिस्ट दिगंबर जैन मंदिर आते हैं वो श्वेतांबर जैन मंदिर भी जरूर आते हैं। इस मंदिर की खासियत इसकी नक्काशी और कलाकृति है, जो इस मंदिर की खूबसूरती और बढ़ा देती है। नालंदा के ये दो मंदिर घूमना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये सारे मंदिर आने के बाद आपको काफ़ी पीसफुल महसूस होता है, आप यहाँ पर बिल्कुल शांत शांत सा पूरा वातावरण है। ये था हमारा दूसरा डेस्टिनेशन प्लेस नालंदा में। दूसरे डेस्टिनेशन के बाद हम लोग अब अपने तीसरे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ चले हैं, और तीसरा डेस्टिनेशन प्लेस है हमारा ह्वेनसांग मेमोरियल, जो श्वेतांबर मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन पे, जो कि है ह्वेनसांग मेमोरियल। और यहाँ आने के लिए आपको ये कुछ 30 रुपये का ये एंट्री टिकट लेना होता है, और आपको टिकट के लिए यहाँ सामने आना पड़ता है, ये है टिकट घर। यहाँ से टिकट लेने के बाद आपको आगे जाना पड़ेगा, और आप आगे जाने के बाद ही आप मेमोरियल हॉल घूम सकते हो, और ये मेमोरियल आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये है ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल। ये एक स्मारक है जिसका नाम चीनी यात्री और विद्वान भिक्षु ह्वेनसांग के नाम पर रखा गया है, जो नालंदा में छात्र थे और बाद में प्राचीन नालंदा महाविहार में शिक्षक बने। ये नालंदा खंडहर से लगभग 1.3 किलोमीटर दूर स्थित है, और अंदर इन करते ही ह्वेनसांग की प्रतिमा देखने को मिलती है।
इसका निर्माण 1960 में शुरू हुआ और 1984 में पूरा हुआ। तो गाइज कुछ इस तरह का ये ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सामने हॉल दिखता है और साथ ही साथ अगल बगल भी ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है और इस तरफ भी आप घूम सकते हो। और हाँ, कैमरा यहाँ पे अलाउ है, मैं अपने गोप्रो से वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा अलाउड है, आप अच्छे से कैमरा का यूज़ कर सकते हो और किसी तरह का कोई टिकट कैमरा पे नहीं देना होता। अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही दिखाई देगी, यहाँ पे घास वगैरह, यहाँ पे फूल पत्ती, मतलब इतने सारे फूल पौधे लगा रखे हैं और काफ़ी सौंदर्यीकरण किया गया है इस कैंपस में। तो आप अगर नालंदा आए तो ये जगह भी ज़रूर विज़िट करें। तो कुछ इस तरह का है ये ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा खाली ही खाली है। अगर आप टोटो से आ रहे हो तो टोटो को आगे ही रोक दिया जाता है और यहाँ पे आपको थोड़ा दूर पैदल ही आना पड़ता है। काफ़ी अच्छा है ये ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल। जितने ही मंदिर हैं अभी तक हम लोग गए हैं, अभी हम लोग ने 2 मंदिर और 1 मेमोरियल हॉल कवर किया है और सभी के सभी काफ़ी पीसफुल हैं और काफ़ी शांत जगहों पर है। तो गाइज इस तीसरे डेस्टिनेशन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने चौथे डेस्टिनेशन की तरफ जो है ब्लैक बुद्धा और ये ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में है। अब हम लोग आ चुके हैं ब्लैक बुद्धा के पास जिसे श्याम बुद्धा भी कहते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंडिकेशन। तो हम लोग को सामने जाना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बुद्धा की स्टैचू भी देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग दे रहे हैं ब्लैक बुद्धा की स्टैचू, इतने सारे आप दे सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपको अच्छा है तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। ये है ब्लैक बुद्धा जिन्हें तेल चढ़ाया जाता है और अंदर कैमरा ले जाना मना है, हमने मना किया कि अंदर कैमरा नहीं ले जाइए, इस वजह से हम बाहर से ही आपको वीडियो दिखा दे रहे हैं। आई होप आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो गाइज ब्लैक बुद्धा देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं नालंदा खंडर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि हमारा 5वां डेस्टिनेशन है ये नालंदा खंडर। यहाँ पे ऑनलाइन का 35 रुपया लगता है और ऑफलाइन का 40 रुपया लगता है। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 40 रुपया पे करना पड़ेगा और अगर आप वहीं पे लगे हुए बारकोड से स्कैन करके अगर टिकट पे करते हैं तो उसके लिए आपको 35 रुपया पे करना होता है। तो चलिए हम लोग अभी आ चुके हैं अंदर। यहाँ पे कुछ जानकारी दिया हुआ है इस नालंदा के बारे में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो नालंदा खंडहर के बारे में कौन नहीं जानता है, इसके बारे में विशेष कुछ बताना मुझे नहीं लगता है ये कुछ उचित होगा। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं नालंदा खंडहर घूमने के लिए, तो ये बोलने की जरूरत नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे होंगे जो नालंदा खंडहर आए होंगे। लेकिन अगर आप नालंदा खंडहर नहीं आए हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप नालंदा खंडहर ज़रूर आइए। खंडहर होने के बावजूद इसका रख रखाव काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है उसे बरकरार रखा जा रहा है, तो हो भी क्यों ना, ये हमारी धरोहर जो है। अब हम लोग जा रहे हैं उस सेक्शन में जहाँ पे छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे और अभी भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो ये आपको छोटे छोटे कमरे दिखते हैं। यहाँ पे इस तरह का जो आप देख रहे हो, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का प्रतिमा लगाया जाता था। ये कुछ इस तरह का है नालंदा और नालंदा का टूरिस्ट प्लेस। पूरी कोशिश की है मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी देने की कि टूरिस्ट प्लेस आप किस तरह से जा सकते हैं और यहाँ पे जो घूमने का खर्च है वो कितना होगा और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही है पावापुरी जल मंदिर, उसका भी हमने अपने चैनल पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। इसी जानकारी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अब एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ हंसते रहिए, खुश रहिए।